नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको 15,000 के अंदर जो सबसे बेस्ट ड्यूअल कैमरा और सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन से वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। और अगर आपको ये सारे फोन्स के जो डिटेल के स्पेसिफिकेशंस देखने हैं तो इस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, तो मैं इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, तो आप वहाँ पर इसके जो पूरे स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स हैं देख लेना। इस वीडियो में सिर्फ फ़ोन के कैमरा के बारे में और इसके साथ इसकी प्राइस बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला स्मार्टफोन जो है वो है ऑनर 9N। इसकी जो प्राइस रखी है वो है 12,000 रुपीज़, यानी कि 11,999 रुपीज़। और ये हाल ही में ही लॉन्च हुआ है और इसमें आपको मिलता है 30+2 MP का रेयर कैमरा। इसके साथ इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का। और इसमें आपको कई सारे AI बेस्ड फीचर्स मिलते हैं, यानी कि AI ब्यूटी, और इसके साथ पोर्ट्रेट मोड भी मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है 12,000 के अंदर। और 12,000 में इसमें आपको 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसके साथ इसका एक और भी वेरियंट है, इसकी जो प्राइस है वो है 14,000। इसमें आपको 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों, अगला स्मार्टफोन जो है वो है मोटो का, मोटो G6। यानी कि इसके जो स्पेसिफिकेशन और फीचर्स है वो उतने अच्छे नहीं है, पर अगर आप एक मोटो के फ़ैन हैं और इसमें आपको कैमरा एक जो चीज़ है वो आपको बहुत अच्छी मिलती है, तो इसका जो रेयर कैमरा है वो है 12+5 MP का। और इसके साथ इसमें आपको मिलता है f1.8 एपरेचर साइज़। इसमें आपको कई सारे पोर्ट्रेट मोड और पैनोरामा शॉट्स लेने को मिलते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है 13,999 रुपीज़, जो 3 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है उसके लिए। तो अगला जो स्मार्टफोन है वो है आसूस का जेनफोन मैक्स प्रो M1। इसका जो रेयर कैमरा है वो 16+5 MP का। इसके साथ इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 16 MP का। इसमें आपको कई सारे AI मोड्स मिलते हैं और इसके साथ पोर्ट्रेट मोड और पैनोरामा, कई सारे डिफरेंट मोड्स मिलते हैं। इसके साथ इसमें आपको HDR भी मिलता है और 9 सीन्स मोड मिलते हैं। और इसका जो सेकेंडरी कैमरा है, यानी जो 5 MP का है, इसमें आपको बॉके शॉट्स लेने को मिलते हैं। यानी कि अगर आप फोटो ले रहे हैं तो पीछे की जो बैकग्राउंड है वो आपको बॉके इफेक्ट में दिखेगी, तो एक अच्छी बात है। और इसके साथ इसमें आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, वो है 11,000 रुपये, यानी कि 10,999 रुपीज़। यह आता है 3 GB रैम, 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके साथ एक और भी वेरियंट आता है 13,000 रुपीज़ का, यानी कि इसमें आपको मिलता है 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो ये भी एक अच्छा स्मार्टफोन निकल के आता है। तो दोस्तों, अगला स्मार्टफोन है वो है सैमसंग का, यानी कि जो सैमसंग का गैलेक्सी J7 Duo है। इसमें आपको मिलता है 13 MP+5 MP का रेयर कैमरा, इसके साथ 8 MP का फ्रंट कैमरा। और इसके साथ इसका जो रेयर प्राइमरी कैमरा है उसका जो एपरेचर है वो है f1.7, और जो सेकेंडरी रेयर कैमरा है उसका जो एपरेचर है वो है f1.9। यानी कि इसमें आपको लाइव फोकस मिलता है और इसके साथ इसमें आपको कई सारे अच्छे मोड्स मिलते हैं और पोर्ट्रेट मोड भी मिल जाता है। इसके साथ गैलेक्सी J7 Duo जो है वो आपको ऑफर करता है बैकग्राउंड ब्लर, यानी कि आप कोई भी शेप रख लो उसके सामने तो ऑटोमेटिकली जो उसका बैकग्राउंड है वो किसी भी शेप में ब्लर हो जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और इसकी जो प्राइस है वो है 13,990 रुपीज़, तो आप इसे परचेस कर सकते हैं अगर आप सैमसंग के फ़ैन हैं। तो दोस्तों, अगला जो स्मार्टफोन है और जो सबसे लास्ट स्मार्टफोन है वो है सबका बाप, जो है Note 5 Pro, यानी कि Xiaomi का Note 5 Pro। जी हाँ, और इसमें आपको मिलता है 13+5 MP का रेयर कैमरा। जो प्राइमरी कैमरा का जो एपरेचर है वो है f2.0 और जो सेकेंडरी कैमरे का एपरेचर है वो है f2.2। इसके साथ इसमें आपको फेशियल रिकॉग्निशन मिलता है, इसके साथ बर्स्ट मोड और पैनोरामा। और इसके साथ इसमें आपको लो लाइट बहुत ही अच्छी मिलती है, यानी कि लो लाइट में आप बहुत ही अच्छे फोटोग्राफ कैप्चर कर सकते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो है, तो आप जानते होंगे, इसकी जो प्राइस है वो है 15,000, यानी कि 14,999 रुपीज़, 4 GB रैम, 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो यही थे 15,000 के अंदर बेस्ट ड्यूअल कैमरा स्मार्टफोन्स और सेल्फी कैमरा भी समझ लो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।